महाराज, संक्रांति आ गया है, युद्ध का आमंत्रण भेजना है कि नहीं? राजकुमार सूर्या, इनको कह दो कि हम कल युद्ध का आमंत्रण लेकर आएंगे। मैं कल युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करने आऊंगा। दीर्घायुष्मान भवा। राजप्रताप, राजकुमार को उनका राज्य दिखाया जाए। आप ही चलिए, सैर हो जाएगी। तुम अकेले जाओ। अकेला क्यों जाऊं? अरे बाप रे, ये रथ क्यों ला रहे हैं? हम गाड़ी में जाते हैं ना। रथ में सवार हो जाओ। आगे चल, आगे सूर्यनारायण प्रताप। इसको मरने की जल्दी है का? मूछों को ताव और जंगा पर थाप दे। जंग पर थाप मारू? लेकिन क्यों? दुश्मनों को ललकारने की ये हमारी परंपरा है। ये कैसी परंपरा है? तो हर जंगा की थाप से दुश्मनों के पैर कांप जाने चाहिए, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जानी चाहिए, उन्हें ललकारो। करता हूँ ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो? रुको रे, कल मंदिर में हमार मीटिंग है ना, बुझने से पहले लो बहुत भड़कती है, बुझा देंगे हम। सूर्या को दे दो। वो लड़का हमारे घर में हमको ललकारता है, उसका कटा सिर चाहिए हमको। तो क्या मुझे वाकई युद्ध करना पड़ेगा? आज ही के दिन के लिए तुम्हें 25 साल तक छुपाकर पाला गया था, सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हारा परिवार इसी दिन के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा, और हमारा दुश्मन भी इसी दिन का इंतजार करता रहा। मेरे पिताजी इस युद्ध में मारे गए, मुझे ना मार दें इसलिए इतने साल तक मुझे लड़कियों के कपड़े पहना के रखा गया। एक औरत के रूप में इतने सालों तक हम इस घर की रक्षा करते रहे तुम्हारे इंतजार में, इस महल के लिए, इस खानदान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन भैया, आप सही कह रहे हैं, जो आग इनके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने मेरे पापा की आंखें निकाल ली
वो अपनी आंखों से भले ही अपने दुश्मन को मरता हुआ ना देख सके, पर उनके मरने की चीखें तो सुन ही सकते हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पापा यहाँ आए हैं। मैं और मेरे पापा एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाए। हम लोगों को चैन की नींद तभी आएगी जब तक के उन दरिंदों की मौत की चीखें नहीं सुन लेते। मेरे पापा की खुशी के लिए उनकी लाशें बिछा दो। मैं बस अभी आया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं यहां का राजकुमार नहीं हूं। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने इनसे मुझे गोद लेने को कहा। मैं ही तुम्हें यहां लेकर आई हूं। क्या? हाँ सूर्या, दूसरे अनजान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते देखा तुम्हें तो मुझे लगा तुम यहाँ के लोगों को भी बचा लोगे। तुम्हारे जीजा जी को गर्व है अपने पिता की शहादत पर, नीला को अभिमान है अपने पिता के बलिदान पर, लेकिन मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं। मेरे पापा ने अरबों रुपए कमा लिए लेकिन अभिमान नहीं कमाया। उस अभिमान की ज्वाला मैंने तुम्हारे अंदर देखी। तुम्हारे अंदर की आग इस बुराई को खत्म कर देगी। मैं नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। इस धर्म युद्ध में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी चिता चलेगी। कल सुबह तुम्हें इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना होगा। लोगों को शादी का न्योता देते हुए सुना है, लेकिन यहाँ तो युद्ध का न्योता बांट रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं? सबके सब मिलकर मुझे बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। सोचा था इस राज्य का राजकुमार बनूंगा, अबे काहे का राजकुमार? मेरा सारा बैंक बैलेंस खा गए ये लोग। मुझे तो घिस घिस के निचोड़ दिया इन्होंने। वही ना। साले, ये सारा प्लान तो तेरा था। नहीं छोड़ूंगा तुझे। 6,000 करोड़ के प्लान पर तुमने पूरा पानी फेर दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। रॉयल फैमिली का सरनेम तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। पर एक बात है, उन सबको बड़ा नाज था, बहुत प्यार करते थे तुझसे यार। प्यार तो मैं भी उनसे करता था। माँ, बहने, इतना अच्छा परिवार, उनको छोड़ने का दुख तो मुझे भी होता है यार। पर ये मार काट क्यों करनी है? ये 25 साल तक इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राजकुमार नहीं था ना। अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई नहीं होगी। तो भाई, क्या हम हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं यार, लड़ाई सिर्फ 2 दिन चलने वाली है। 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। संक्रांति के बाद वापस चले आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेंगे ना, 1-2 थप्पड़ लगाएंगे, कायर कहलेंगे, वो सब मैं सह लूंगा, लेकिन खून खराबा नहीं होगा ना। यही चाहता हूँ। चल पुजारे, वो लड़का काहे नहीं आया युद्ध करने के लिए? डर कर कहीं भाग तो नहीं गया? शेर की खाल में चूहा है का? सूर्य प्रताप जब तक नहीं आता है सरकार, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तेरी जुबान ने हमें आदेश देने की हिम्मत कैसे की? तुझे इसका अंजाम मालूम है, अब इस जबान को काटना ही पड़ेगा। जिस दिन से उसने हमको ललकारा उस दिन से वो हमारा शिकार है। ढूंढो उसे, हमें उसके 100 टुकड़े चाहिए। सूर्यवंशियों को घसीट कर लाओ। उनकी औरतों को हमारे घर के अलावा कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, खबरदार जो खाली हाथ लौटा तो। याद है ना हमने क्या कहा, हमें उनके पूरे 100 टुकड़े चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको ललकारने की? तू उस कमीने को लाया था हमको ललकारने के लिए? इस और कैसा है श्रीमान? बांधो ससुरे को घोड़े के पिछाड़ी और ले चलो। ए, कौन है? माँ का दूध पिया है तो सामने आओ।
ये तो अन्याय है भैया। क्यों, तू कह रही थी ना कि तुम्हारा रक्षक आएगा तुमको बचाने के लिए, कहाँ है साला? डर कर भाग गया? वो भागा नहीं है, शेर जब शिकार करता है तो जंगल में शांति छा जाता है, वो जरूर आई। तो बड़ा उसको बाल बाल बच गए, रुक जाते तो पता नहीं ये क्या करवाते। अब शांति। रानी, किसी नामर्द का जन्म दिया था क्या? थु! अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं? हमरे सामने झुक कर बोल कि तूने एक नामर्द जना है, जल्दी बोलो। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए। Oh!
हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तू जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। ए, तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता है हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में, धरती उसके हाथ में, आकाश उसके हाथ में। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था, अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं, मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना।